आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिले में 125 ग्राम पंचायतों में बनाए गए तिरंगा सेल्फी पॉइंट। तिरंगा के साथ सेल्फी को लेकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हुआ जारी। सरकार ने हर घर तिरंगा वेबसाइट भी किया लॉन्च। https://harghartiranga.com पर पिन ए फ्लैग और सेल्फी विद फ्लैग कर सकते हैं अपने सेल्फी अपलोड। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक मनाए जा रहे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जनपद के प्रमुख चौराहों, कार्यालय व रेलवे स्टेशन को तिरंगा लाइट से गया सजाया। नगर आयुक्त ने कहा, पूरा देश आजादी के हर्षोल्लास में है डूबा। शहर को सजाया गया है दुल्हन की तरह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के पारिवारिक न्यायालय में 16 पारिवारिक जोड़ों की विदाई समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक के समक्ष 16 जोड़ों को एक दूसरे से माला पहनाकर गिफ्ट देकर की गई विदाई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश होमगार्ड की गोरखपुर इकाई ने जिला कारागार अमर शहीद पंडित राम प्रसाद विस्मिल की समाधि स्थल से एनएक्सी भवन तक निकाली तिरंगा बाइक रैली। एनएक्सी भवन पर तिरंगा बाइक रैली का राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित होमगार्ड के अधिकारियों ने पुष्प से किया स्वागत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आए 4,09,592 वाद में से कुल 3,80,862 वादों का निस्तारण करते हुए नया कीर्तिमान किया गया स्थापित। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सीएससी संचालकों के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से निकाला गया तिरंगा बाइक रैली। रैली के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए किया गया जागरूक। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अमर शहीद विस्मिल पार्क से निकाली गई आजादी की गौरव तिरंगा यात्रा। अमर शहीदों के बलिदान को किया गया याद। चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो अभियुक्तों प्रदीप शानी एवं सूरज को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग ने सिटी मजिस्ट्रेट और सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन के संयुक्त तत्वावधान में निकाला तिरंगा यात्रा का। हर घर तिरंगा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं सिविल डिफेंस के वार्डन। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी के नेतृत्व में निकाला गया भव्य तिरंगा यात्रा। कहा, पीएम मोदी एवं सीएम योगी का हर घर तिरंगा का नारा बन गया है जन आंदोलन। और भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल के द्वारा भारत विभाजन एक विभीषिका प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, जो देश अपने इतिहास से आंख बंद करता है उस देश के बदल जाते हैं इतिहास और भूगोल।